खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल जो जतिन प्ले कर रहे हैं वो एक उनको ट्रैप कर लेते तीन मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके साथ बहुत कुछ होता है। तो रानी जी एज इट इज कहानी है या आप लोगों ने इसमें चेंजेस भी हुए हैं? इंस्पायर्ड है, आई वुडंट से एज इट इज है। तो काफी चीजें ऑफ कोर्स डेवलप भी की है स्क्रिप्ट में, बहुत सारे चेंजेस किया है अकॉर्डिंग टू द व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू द लाइक आजकल के यंगस्टर्स के लिए तो थोड़ा सा चेंजेस किया है। Yeah. तो करके ही हमने पेश किया है एंड इट इज ऑल क्रेडिट गोज टू डायरेक्टर नयन बचौरी, उसने जो इंस्पिरेशन लिया था उस कहानी से और अपने टीम को लेके बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप सब राहुल जी सिल्वर स्क्रीन पे आपका डेब्यू है या आप इससे पहले भी काम करते रहे हैं? मेरा तो बहुत काम कर चुका हूँ मैं, पिछले 10-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ बट अब तक बाहर नहीं आया था। इवन माई मूवीज हैव बीन नॉट कम्प्लीटली लॉक्ड अंडर इट, रिलीज़ नहीं हो पाए, तो ये वाली चीज़ जो है इसीलिए मैंने खुद ये ज़िम्मा उठाया और मैंने करके दिखाना है करके रिलीज़ तक आ गया हूँ अभी। तो इसका क्रेडिट कम्प्लीटली मैं टीम को ही दूंगा, सारे टीम मेम्बर्स को दूंगा, ताकि ये फुलफिल करने के लिए, ड्रीम फुलफिल करने के लिए मेरे को जो भी सपोर्ट किया था सब। नयन पचौरी जी ये स्क्रिप्ट आपके पास लेकर आए तो आपको ऐसा क्या लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए एज एन एक्टर? एक्चुअली हम लोग ने पहले ही एक एंटरटेनर मूवी हम लोग प्लान कर रहे थे 4 years back itself, like we were about doing searching for investment and all that, like nobody invest करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो इसीलिए हम लोग अलग हो गए थे 1 साल के लिए। फिर बाद में मैं कुछ और करने गया था और नयन कुछ और करने गया था, फिर बाद में मुझे कहीं पे धक्का लगा, वो वाला जो मैं कर रहा था उसको स्टॉप करके मुझे ये वाला करना पड़ा, ये वाला, क्योंकि नयन ने बीच में ये पिच इन किया था, ये वाला स्क्रिप्ट ऐसा है करके, अच्छा होगा आपके लिए, वुमन ओरिएंटेड स्टफ है और लाइक ऐसे न्यू कमर यू कैन शो दैट स्किल एंड टैलेंट एट दैट दिस इज द राइट मोमेंट एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेंट। सो तब से नहीं, एक्चुअली वो एक ही टाइप का एक्टिंग है बट वो जोन जो है वो कम्प्लीटली पागल जैसा मेंटल जैसे काम वाला काइंड ऑफ कैरेक्टर है वो एक्चुअली। तो आप अभी बॉलीवुड में उस तरीके की एक्टिंग के लिए अपने आप को किससे एसोसिएट करते हैं, जैसे नवाज से या नहीं मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं अपने आप को बेस्ट करने के लिए या फिर ऑडियंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आप लाइक ऑडियंस को पसंद आने के लिए मैंने जो भी किया था कोशिश किया था, बस मेरी बात मतलब लाइक जितना एक्सपीरियंस था मेरा कम्प्लीटली वो सब मैंने इस पे डाल दिया है, I've given a full heart and soul into it. तो आप ऐसे एक्टर किसको एडमायर करते हैं जिससे आप सीखते हैं? मैं एक्चुअली हमेशा सलमान का ही नाम लूँगा हमेशा, तो सलमान से ही इंस्पायर्ड हूँ कम्प्लीटली, राइट फ्रॉम एवरीथिंग, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, सलमान शाहरुख ऑलवेज यूज टू सी द मूवीज एंड बाई आई जस्ट ग्रोन अप बाई वॉचिंग दोज मूवीज, सो ही इज़ द ओनली इंस्पिरेशन टू मेक दिस मूवी बिगर। ग्रेट रानी,
तो रानी आप अपने थोड़े अपने रोल और कैरेक्टर के बारे में फिल्म में बताइए क्या। या तो फिल्म में जैसा कि मैंने पहले बताया कि तीन मेडिकल स्टूडेंट्स जो तीन लड़कियां हैं उन्होंने जतिन को ट्रैप किया है घर में, मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मैं श्वेता का रोल प्ले कर रही हूँ जो कि जतिन की लव इंटरेस्ट है फिल्म में। शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल लेकिन जो इमोशंस के थ्रू वो जाती है आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स लिटिल इंटेंस एक्टिंग। तो जैसे कि हमारा एक सॉन्ग भी है सजनी, तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक सॉन्ग में आपको उसके बहुत सारे इमोशंस दिखेंगे। शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ स्केर्ड, शी इज़ नर्वस, तो सब कुछ है उसमें। एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है फिल्म में। फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से। सो मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिल्म की। तो आपका नाम भी रानी है और रानी नाम से ऑलरेडी एक बहुत एस्टेब्लिश एक्टर इंडस्ट्री में है रानी मुखर्जी का नाम से। यस यस। तो आप अपने आप को कहीं एसोसिएट करते हैं उनसे किसी तरह से? आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हर, आई लव हर, आई लव रानी मुखर्जी फिल्म्स, लाइक बहुत मैं उनको पसंद करती हूँ। बट अगर एक कोई है जिनकी लाइक मैं बहुत बड़ी फैन हूँ तो वो है करीना कपूर। लाइक आई रियली लव हर, आई रियली एडमायर हर। सो ये फिल्म आपकी कब रिलीज हो रही है और कहाँ हमें देखने को मिलेगी ये फिल्म? फिल्म इज रिलीजिंग ऑल ओवर ऑन 14 जून 2019। जून यू आर नियर cinema theater. Yeah, so everywhere. We would actually urge everyone to go and watch this film because aaj ke zamane mein kafi relevant film hai. Hum logon ko support dijiyega please thoda sa aur bahut sara support dijiye aur kya bol sakte hain ki like bahut bahut sare views hain isme, so many open ends hai isme. Or like you can go according to the girl's perspective or according to the gents perspective. It is like a stereotype ko break karne ke liye, matlab har jagah pe dekhenge to ye har jagah pe ye girls ka rape wo sab cheeze hi ho raha hai. So this is the movie to say the boys are also unsafe in our society. So it depends, like it can be negative or a positive, like both are unsafe, so we have to be safe and we have to protect both the genders. And that is how the youth is going on, like everyone, this is for youth actually, completely. This is youth entertainer thriller. Jab first time ye aayi thi kahani aapke paas aayi thi, first time suna apne kahani, kya mind mein kya aapke paas aaya rani ji, aapse sawal ho rahi ye actually maine just first actually I want to do some action oriented stuff, maine socha tha I would keep some six pack and all that stuff and all that, but for as a newcomer I don't want to do that first. I'll come as a entertainer, like acting skills, like content based and all that, and then uske baad hum grown up karenge, acha lagega. To ye maine socha ki like this is the app, and we had a plan for to do 2-3 movies, but that was stopped somehow, and then we came to this type. Actually Nayan Bachur is specified for woman oriented stuff. He is very good in that, so I have taken him knowingly this is woman oriented stuff, and I have a good backup in that character also. So everyone is a hero in this movie, like all Srijita Dey, Shita Ganguly, Rani, Mega, Kala ji bhi bahut acha ek mazedar role play kar rahe hain, Thapar ji bhi mazedar role play kar rahe hain, और अभिनव आनंद इज देयर, देन शुभांगी लिटोरिया इज देयर, एंड बहुत सारे नेहा बम मैम, गोयल जी है, बहुत सारे लोग हैं, और लाइक करेक्टली एग्जैक्टली अनसंग हीरो अब तक मैं मेंशन नहीं किया था, वो है डीओपी विक्रांत, सुपर्ब, इट वाज लाइक ऑसम, बिकॉज ऑफ हिम द मूवी इज नाउ लाइक इन अदर लेवल एक्चुअली. When you play the combination with the director Nayan and Vikrant, it was superb, awesome combination. And with that, lights, like everyone, like it was awesome actually. बहुत अच्छा था. हाँ तो इसके पहले मैंने जो फिल्म्स की है वो थोड़ा कॉमेडी जॉनर में है, इमोशनल है, लेकिन साइको थ्रिलर ऐसा मैंने नहीं किया था पहले. तो पहली बात तो मुझे ये सब्जेक्ट सुन के ही आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है, ये करना चाहिए. फिर उसमें जब नयन ने मुझे
पूछा कि वुड यू लाइक टू प्ले श्वेता, सो आई वाज लाइक ऑफ कोर्स, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है क्योंकि नयन में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा बिकॉज ही इज़ यंगर देन मी एंड वो इतना फोकस्ड है और उसका इतना क्लियर विजन है कि उसको अगर कोई सजेस्ट भी करे, मैं अगर बोलूँ उसे कि नयन ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो ही इज़ लाइक सोचेगा बट देन ही इज़ लाइक नहीं नहीं ऐसे ही करते हैं. सो आई गॉट अ वेरी गुड वाइब फ्रॉम हिम एंड आई फेल्ट कि नहीं ये प्रोजेक्ट करना चाहिए. सो आई वॉज ऑल पॉजिटिव एंड अभी तक तो सब पॉजिटिव ही चल रहे हैं. अरे कब जब भी बात करें इस तरह की कहानी की, लोग कहते हैं लड़की होती बच्चा बच्चा भगवान के लिए छोड़ दो. आपने वैसे कहा था कि भगवान के लिए छोड़ दो मतलब मूवी इन द मूवी भगवान के लिए छोड़ दो मतलब लाइक आफ्टर सब कुछ होने के बाद. या मैंने लास्ट टाइम डैड से बात कर रहा था, बोला था कि डैड आई हैव डन एवरीथिंग फॉर दिस, आगे जो भी होगा ऊपर वाला मर्जी है. भगवान के लिए छोड़ दो. राइट राइट राइट. हाँ ये तो मैं फर्स्ट डे first day always like ever before like ever Salman's is always rocking and I used to see always a first day for show but is bar maine first day evening ho gaya tha maaf kar de bhaiya to maine I'm a huge fan of Salman so I never miss any of his movie and all the best for Bharat and bahut acha hai.